बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज मैं बना रही हूँ केरियों का मुरब्बा। सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें मैंने ऑयल डाला थोड़ा सा, बिल्कुल 4 टेबल स्पून जितना। और ये मैंने केरियाँ डाली हैं छिली हुई, तकरीबन 1/2 kg हैं ये। और फिर इनको मैंने बहुत अच्छी तरह से फ्राई किया 1 मिनट तक। अब मैंने 2 इलायची डाली है इसके अंदर, और इलायची डाल के अब मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई किया बहुत अच्छी तरह से। अब मैं इसमें शक्कर डाल दूँगी, तकरीबन 200 ग्राम शक्कर डाली है मैंने इसमें। ये देखिए 150 ग्राम डाली है तकरीबन, थोड़ी सी बचा ली है। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से अब ये शक्कर कैरियों के साथ पक रही है। अब मैंने इसमें नारियल डाल दिया है कटा हुआ, और किशमिश भी डाल दी है, और बादाम भी डाल दिए हैं थोड़े से इसमें। अब ये कैरियाँ पकेंगी बहुत अच्छी तरह से चाशनी के अंदर, और चाशनी इनके अंदर जब्ज हो जाएगी बहुत अच्छी तरह से, फिर ये हमारे केरियों का बहुत ही अच्छा सा मुरब्बा तैयार हो जाएगा। ये देखिए बहुत अच्छी सी चाशनी तैयार हो चुकी है। ये देखिए चाशनी के अंदर केरियाँ बहुत अच्छी तरह से पक चुकी हैं, और बहुत अच्छा सा मुरब्बा तैयार है माशा।